कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आप अपना टीचर दुलशेर गौर आज मैं आप लोगों के लिए संडे में भी टेस्ट लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है कि एवरी संडे में आप लोगों को शनिवार और संडे टेस्ट उपलब्ध कराता हूं। क्या करें, मजबूरी थी, लेकिन आज ये कितना अर्जेंट वर्क था कि आप यकीन नहीं मान सकते कि उसे छोड़ के आप लोगों के लिए टेस्ट तैयार करने के लिए आया था, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका जो मुस्तकबिल है, जो उनका लक्ष्य है, जो उनका टारगेट है, जो उनके मन की बातें हैं, वो ना छूटे। तो फर्स्ट प्राथमिकता मैंने आप लोगों को देते हुए अपने काम को पीछे किया, लेकिन आप लोगों के लिए टेस्ट अनिवार्य रूप से रेडी करके लेकर आया हूं। और आप भी अच्छी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ मेरे साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आइए देखते हैं, आज हमारा टेस्ट नंबर 14 है जनरल स्टडी। इससे पहले आपके 13 टेस्ट हो चुके हैं, आप वो सब प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, वहां से जाके तैयार करें और उन्हें पढ़े बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी हमारा आगामी परीक्षा हो, आप देखना कितने हेल्पफुल टेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जनरल स्टडी की जो क्लासे है वो भी कंटिन्यूटी के साथ उपलब्ध होती है। आप जनरल स्टडी की क्लासे भी प्ले लिस्ट से और डे बाय डे आपको 3 क्लास प्रदान की जाती है। वो आप नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखिए, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन, पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की परिधि की गणना करने के लिए प्रथम विश्व प्रसिद्ध विद्वान कौन है। पृथ्वी की परिधि की गणना करने के लिए प्रथम विश्व प्रसिद्ध विद्वान कौन है, मतलब जो पृथ्वी है उसकी जो गणना परिधि की गणना की थी वो किसने की थी पहली बार, अनैक्सिमेंडर ने, टॉलमी ने, स्ट्रैबो ने, इराटोस्थनीज ने। ये पहली बार जो गणना की थी वो की थी इराटोस्थनीज ने। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है, जो भूकंप है हमारा उसका जो छाया क्षेत्र पड़ता है उसका विस्तार कितने उस तक होता है, 40 डिग्री, 170 डिग्री, 220 डिग्री या फिर नन ऑफ दीज, कोई नहीं। उसका जो विस्तार होता है वो होता है 40 डिग्री पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हिमकाओं से युक्त मेघ होते हैं, हिम मतलब बर्फ, हिम का मतलब होता है बर्फ से युक्त जो बादल होते हैं, मेघ मतलब बादल, वो कौन से होते हैं, कपासी बादल, स्त्री बादल, पक्षाभ बादल या फिर वर्षी बादल, बताइए। ये होते हैं आपके पक्षाभ, सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन गलत है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, सत्य असत्य है, कौन सा आ सकते हैं, ठीक है, गलत राज्य और उनकी राजधानियां हैं, जैसे मिजोरम, मिजोरम के सामने इसने लिखा आइजोल, त्रिपुरा के सामने लिखा अगरतला, मणिपुर के सामने लिखा इम्फॉल, मेघालय के सामने लिखा दिसपुर, बताइए कौन से इसमें गलत है। इसमें जो गलत है वो है 4, मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग, और ये जो दिसपुर है ये असम की राजधानी है, दिसपुर जो है असम की है, और मेघालय क्या है, शिलोंग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस राज्य सरकार ने गिद्धों को बचाने के लिए, जो गिद्ध होते हैं ना जंगल में, बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है, कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है, तमिलनाडु सरकार ने, केरल सरकार ने, पंजाब सरकार ने, बताइए किसने इस पे प्रतिबंध लगाया। ये प्रतिबंध लगाया है तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है, ताकि गिद्धों को बचाया जा सके। क्वेश्चन ये दे देगा, कोटोप्रोफेन नॉन स्टेराइड क्या है, ये दवा है, क्यों चर्चाओं में है, इससे गिद्धों की मृत्यु हो रही थी या गिद्ध मर रहे थे, उन्हें बचाने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट है,
मैटरहॉर्न बनाया जाता है, मैटरहॉर्न बनाया जाता है, इसके द्वारा हिम नदों द्वारा, नदियों द्वारा, पौनों द्वारा। बताइए किसके द्वारा मैटरहॉर्न बनाया जाता है, मतलब उसकी जो आकृति होती है वो हॉर्न टाइम सन टाइप में होती है। ए, इस ये बनाया जाता है हिम नदों द्वारा, हिमनद मतलब नदियों द्वारा, जो नदियों का बहाव होता है, मैटरहॉर्न हिम नदियों द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भंजक प्लेट पार्श्व होते हैं, भंजक प्लेट पार्श्व होते हैं, अपसारी, अभिसारी, पारवर्ती, बताइए। भंजक प्लेट पार्श्व होते हैं, अपसारी, अभिसारी, पारवर्ती, ये होते हैं अभिसारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठंडी व शुष्क स्थानीय पौने हैं, ठंडी होती है और शुष्क होती है, मतलब नमी नहीं होती, तो कौन सी ऐसी पौन है, हर्मटन, मिस्ट्रल या फिर चिनुक, बताइए। ये पौने हैं ठंडी और शुष्क स्थानीय जो पौने होती है वो होती है मिस्ट्रल, ठीक है, कौन सी, मिस्ट्रल। क्वेश्चन वैसे दे दे, ठंडी पवन है, मिस्ट्रल जो है ठंडी है। क्वेश्चन नंबर 9, मिट्टियों का वितरण या अध्ययन की सर्वोत्तम विधि है, मिट्टी का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, वर्गमापी, बिंदु, सम्मान रेखा या फिर मृदा विज्ञान, बताइए। मिट्टी का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, मिट्टी का जो अध्ययन होता है वो किया जाता है मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पौनों का विक्षेपण बल सबसे ज्यादा होता है, पौनों का विक्षेपण बल सबसे ज्यादा होता है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश पर, जो पवन चलती है हमारी उनकी सबसे ज्यादा फोर्स बल कहां पर होता है, उनका जो सबसे ज्यादा फोर्स या बल होता है वो होता है आपका ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचवर्षीय योजना के पीछे की प्रेरणा रही है, मतलब ये जो पंचवर्षीय योजना है इसके पीछे की जो प्रेरणा रही है वो किस देश से रही है, ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस, डी नन ऑफ दिस, बताइए। पंचवर्षीय योजना की जो प्रेरणा है वो किस देश से रही है हमारी ज्यादातर, ये है आपका इसमें नन ऑफ दिस, और ये ज्यादातर ब्रिटेन की उससे भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, मतलब जो उनकी थिंकिंग थी, जवाहरलाल नेहरू जी की अप्रोच थी, जो उनका रास्ता था वो कौन सा डायरेक्शन था, मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी, बताइए। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे समाजवादी, समाजवाद का वो समर्थन करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये तीनों शहर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये जो तीनों शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, यमुना, चंबल या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दिस, बताइए ये तीनों किस नदी के किनारे स्थित है, ये तीनों यमुना नदी के किनारे स्थित है, हमारा जो आंसर है वो है बी, याद रखना दिल्ली, आगरा और मथुरा ये तीनों यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 14, सागर की सतह जल का औसत तापमान होता है, जो सागर की सतह होती है, जो समुद्र होता है उसके जो जल होता है उसका औसत टेम्परेचर कितना होता है, तापमान, ए 12 डिग्री, बी 45 डिग्री सेल्सियस, सी 26.7 डिग्री सेल्सियस, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज,
ये है आपका 26.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सी वातावरणीय परत रेडियो लहरें जो पृथ्वी से प्रसारित की जाती है और उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजती है। हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो परत पाई जाती है, कौन सी ऐसी परत है जो पृथ्वी से ऊपर जाती है और फिर वो उन्हें वापस रिटर्न कर देती है? मध्यमंडल, आयन मंडल, शोभ मंडल, बताइए कौन सी परत है ऐसी? ये हमारी जो परत है वो है आयन मंडल, इसे आयनोस्फीयर भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, आयनोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 16, भौगोलिक प्रदेश के सभी परिस्थिति की व्यवस्थाएं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, जो एक भौगोलिक क्षेत्र परिक्षेत्र होता है उसकी सभी व्यवस्थाएं जो है उसे हम इकोसिस्टम के साथ मिलाकर जो एक बड़ी इकाई का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? समुदाय, क्षेत्र, जीव संहित, जीव मंडल, बताइए क्या कहते हैं उसे हम? उसे हम कहते हैं जीव मंडल, या जीव मंडल भी कहते कह सकते हैं आप, बायोडायवर्सिटी। ठीक है, जीव मंडल आता है कभी कभी एग्जाम में लिखा हुआ और कभी कभी जीव मंडल आता है लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा बंदरगाह लैगूनीय बंदरगाह है? बताइए कौन सा बंदरगाह लैगूनीय बंदरगाह है जो लैगून का निर्माण करता है? चेन्नई, मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम। ये जो आपका चेन्नई बंदरगाह है ये तमिलनाडु में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, कोच्चि केरल में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारी बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह वो है मुंबई। ठीक है, तो कौन सा बंदरगाह लैगूनीय बंदरगाह है? वो है कोच्चि वाला, केरल वाला जो बंदरगाह है ये लैगूनीय बंदरगाह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में किसे भूगोलीय पैटर्न नहीं माना जा सकता, मतलब एक भूगोल का हिस्सा नहीं माना जा सकता, कौन सी ऐसी चीज है? केंद्रित, विवरणात्मक, रेखीय, यादृच्छिक, यादृच्छिक, बताइए किसे भूगोलीय पैटर्न नहीं माना जा सकता? वो नहीं माना जा सकता यादृच्छिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब एक रथ पे बैठे हुए बहुत ही सुंदर कांस्य की मूर्ति मिली है, वो किस सभ्यता से मिली है, कहां से मिली है हड़प्पा सभ्यता, जो किस स्थान से? मोहनजोदड़ो, दैमाबाद, कालीबंगा या कालीबंगन। कालीबंगा या कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से या किस स्थान से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है या मिली? मोहन जोदड़ो से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का आज का, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है या विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के गुरु कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, बताइए कौन है? यह है आपके विशिष्टता जो द्वैतवाद है उसका जो संबंध है वह है रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य से। ठीक है, तो दोस्तों और मित्रों ये थे आज के हमारे जनरल स्टडी का 20 नंबर का टेस्ट। आज संडे है, सब काम छोड़ के मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट जो प्राथमिकता दी है वो आप लोगों के स्टडी पे दी है, ताकि आप लोगों की जो कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ स्टडी है वो ना छूट पाए और हम लोग कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़े और कम समय में अधिक सफलता प्राप्त करें। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौर। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रतिदिन दिन क्लास मिल सके। और अगर आप पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, मैं आपका। Thank you.